देखो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं ना जहाँ पर फिल्म जो है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी होती है और बहुत ही ज़्यादा स्लो भी होती है, और उसी वजह से फिल्म का हम पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और हो सकता है कि फिल्म शायद अच्छी भी होती लेकिन लोग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे में छोड़ देते हैं, क्योंकि फिल्म उतनी देर तक बर्दाश्त करने लायक, झेलने लायक होती ही नहीं है कि आप उस फिल्म को उस वक्त तक देख सको कि जहाँ पर शायद ये फिल्म थोड़ी बहुत इंटरटेनिंग हो भी जाती है। और ज़्यादातर फिल्मों के साथ ऐसा ही होता है और शायद इस फिल्म के साथ भी कुछ वैसा ही होता, लेकिन इस फिल्म ने ऐसा तड़का मारा है ना इस फिल्म के अंदर कि फिल्म ने पूरा का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। मतलब ये फिल्म आपको जो दिखाएगी और उसके बाद ये जो फिल्म जिस तरीके से एक अलग सा टेस्ट डाल देती है ना फिल्म में, वो इस फिल्म का टेस्ट ही दुगना कर देता है कि आप इस फिल्म को चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो मैंने फिल्म देखी टोन हार्ट्स। तो देखो यहाँ पर इस फिल्म की स्टोरी है दो लड़कियों की जो कि बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनना चाहती हैं, और जिसके लिए वो एक घर में जाती हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लिविंग लेजेंड रह रही होती है। तो उससे वो दोनों मिलने के लिए जाते हैं ताकि वो उसके साथ एक सॉन्ग को रिकॉर्ड कर सके और वो स्टार बन जाए। क्या पता, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो वो वहाँ पर जाती हैं या फिर नहीं, और अगर वो चली गई तो उसके बाद उनके साथ क्या होने वाला है और लाइफ क्या मोड़ लेने वाली है, यही है इस मूवी की स्टोरी। तो जैसे कि मैंने कुछ हिंट्स वगैरह आपको दिया था कि ये फिल्म किस तरीके की है, तो हाँ ये फिल्म कुछ वैसे ही है। फिल्म थोड़ी थोड़ी सी बोरिंग और थोड़ी थोड़ी सी स्लो भी है, लेकिन ये फिल्म एक तगड़ा टाइट एक पकड़ ऑडियंस के बीच में तब बना लेती है जब फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का हल्का फिल्म के बीच बीच में आपको सुनाई देता जाएगा। और जहाँ ये फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं भी होनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे सीन्स हैं, सिचुएशंस हैं जो कि इंटरेस्टिंग ना भी हो और आपको बहुत ही ज़्यादा बोर भी कर रही हो, लेकिन ये सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक का ही कमाल है। इस फिल्म की जो जान है ना वो बैकग्राउंड म्यूजिक ही है जो कि आपको होल्ड करके रख सकती है। फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इतना सस्पेंसफुल पूरी मूवी में सुनने को मिलता है ना, और पहली बार मतलब काफ़ी वक्त के बाद मुझे एक ऐसी फिल्म देखने को मिली जहाँ का बैकग्राउंड म्यूजिक ही फिल्म की जान है, जहाँ फिल्म स्लो भी है, बोरिंग भी है, लेकिन अगर वो फिर भी ऑडियंस को होल्ड करने का दम अगर रखती है ना तो वो है बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है जो कि जब जब बजता है तो हल्का सा जो सस्पेंस वो क्रिएट कर देता है ना, वहीं आपकी क्यूरियोसिटी जग जाएगी, वहीं पर आप स्टक हो जाओगे मूवी के साथ में कि अपना अब तो कुछ ना कुछ फिल्म में इंटरेस्टिंग हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिल्म ज़रूर ना ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं तगड़ा इम्पैक्ट डालने ही वाली है, और फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक ही है जो कि फिल्म का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालती है, जिसके वजह से आप हिल ही नहीं पाओगे, आप वेट करते रहोगे कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इस फिल्म में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है यहाँ पर फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और यहाँ पर सीन सिचुएशंस इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं, इतने ज़्यादा हमें उलझन में डाल देते हैं कि आप हिल ही नहीं पाओगे। और उसके बाद ये फिल्म एंड तक आते आते इतना तगड़ा सरप्राइज देती है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए तो, और जब आप देखोगे ना तो आपके लिए बहुत बड़ा मतलब आपके लिए भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर झटका होने ही वाला है। और सच बताऊँ तो ये फिल्म मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी और बहुत ही ज़्यादा ये बेहतरीन फिल्म है, और जिनको हॉरर ड्रामा फिल्में देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हालांकि इस फिल्म में हॉरर जैसा कुछ नहीं है और ये फिल्म भी उन्हीं फिल्मों की लिस्ट में शामिल होती है जहाँ पर डरावना कुछ भी नहीं है, लेकिन फिल्म के सीन सिचुएशन और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर देता है, एक ऐसा डर आपके अंदर बैठा देगा कि आप ना चाहते हुए भी डर ही जाओगे, आपके अंदर एक खौफ पैदा हो ही जाएगा। तो ये इस लेवल की फिल्म बनाकर हमारे सामने रखी गई है। हालांकि इस फिल्म को आप सबके साथ बैठकर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, लेकिन एंड में थोड़ा खून खराबा भी है तो उसका भी आप ध्यान ज़रूर रखना। पर मुझे लगता है कि हाँ ये देखने लायक तगड़ी फिल्म है जिसको मैं आपको खुद रिकमेंड करना चाहूँगा। ये काफ़ी कमाल की और काफ़ी गजब की फिल्म है जो कि एक अलग सा भी एक्सपीरियंस देती है। तो कंटेंट लवर्स, दिस मूवी इज़ फॉर यू। और ये फिल्म हिंदी में भी अवेलेबल है तो फिर इस फिल्म को मिस मत करना, वो भी तब जब फिल्म हिंदी में अवेलेबल है और जब फिल्म भी काफ़ी कमाल की हो। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म थोड़ी सी स्लो है और बोरिंग भी, तो उस बात का ध्यान ज़रूर रखना, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कहीं ना कहीं बांध ही लेगी और आपको रोक कर ही रख लेगी। तो अब यहाँ पर कोई शिकायत करने वाली बात है ही नहीं, तो उसी वजह से मेरी तरफ से ये एक रिकमेंडेड मूवी जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। बाकी देखना ना देखना वो तो आपकी मर्जी है, और अगर आपने इस फिल्म को देख लिया तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में, मेरे साथ आप कमेंट में शेयर
जरूर करना। जोहार।